बताइए कि यहाँ पे 21 से ज्यादा मिसाइल जो अब्दुल कलाम जी यहाँ पे देके गए, मुसलमानों के लिए तो लेकर नहीं गए थे ना, हिंदुओं के लिए भी देकर गए, क्या इस देश के हिंदुओं का ये फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को? सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उस देश को कुछ चटपुंजिया बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। अरे ये बाबा आप बताइए, योगी जी के खिलाफ मुगल लड़े थे योगी जी के? ए भैया आप कौन थे, योगी जी कौन थे महाराज? उस संत है, साधु है। अच्छा महाराज जो महाराणा प्रताप थे वो किससे लड़े थे? वीरता से लड़े थे, बोल तो दिए वीरता से लड़े थे। और वीरता उस समय कौन था? इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ थे, वो वीरता थे। तो महाराज कैसे बन गए? अरे महाराज क्यों इजुलफुजी बाबा योगी जी जो हैं, मैं उन पे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया है तो बोलना पड़ेगा। अरे डरते नहीं हैं हम, गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो काले संग्रेजों से खाक नहीं डरने वाले। गोरी चला लेते वो अंग्रेज तो, वो मुगल तो ही थे, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी मुगल नहीं थे, कौन थे? देखिए बना देंगे बाप। देखिए जिस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए उस देश को कुछ चटपुंजिया बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। अरे ये बाबा आप बताइए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका भाई, हाँ आपका भाई बीड़ी फूकना बंद कर देगा, इस बात की महाराज गारंटी ले लो। तो आजादी मिल जाएगी। आजादी? देश गुलाम है क्या? देश गुलाम है, फूकने की आजादी मिल जाएगी, फूकने की आजादी। अच्छा धीरेन्द्र सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो एक चीज बताइए, अगर हम अपना खून दे देंगे तो आप अपने भाई का बीड़ी पीना छुड़वा दो? अगर उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू साथ दो, साथ कैसे देंगे भैया? साथ तो दिए है ना, लो जी हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो, देखो ना हाथ में क्या है, हाथ देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में अगर संविधान में गजवा हिंद लिखा है तो बना दीजिए, अगर इस देश में दिक्कत क्यों है, दिक्कत क्या है मुझे? देखिए सनातनी और सरकारी हिंदू में दोनों में फर्क है। सरकारी हिंदू जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं, और जो सनातनी हिंदू है, मैंने साधु संत को बोला आप सरकारी हिंदू तो नहीं हो? ए भैया इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, ऐसे पत्रकारों की तीन दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट है। इन्होंने साधु संतों को बोल दिया कि वो गोबर है, फलाना है, ढमकाना है। हमने किसी साधु संत और किसी का विरोध नहीं किया, हमने ये कहा सरकारी हिंदू वो तो सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू जो होगा वो राम को भी लेकर चलेगा, रहीम को भी लेकर चलेगा, अल्लाह को भी लेकर चलेगा, वाहे गुरु को भी लेकर चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है जब से, तब से मुसलमानों को दबाने का काम। हिंदू राष्ट्र बनाओगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अरे योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, आप तो मोदी जी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या नाम है, अमित शाह जी, मोदी जी के पास डिग्री है। मोदी जी कौन सी डिग्री है? सबको साथ लेके चलने का हिंदुओं ने ठेका लिया क्या? अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे 21 से ज्यादा मिसाइल जो अब्दुल कलाम जी यहाँ पे देके गए, मुसलमानों के लिए तो लेकर नहीं गए थे ना, हिंदुओं के लिए भी देकर गए, क्या इस देश के हिंदुओं का ये फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को साथ में लेके चलो? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि मुसलमानों को भी साथ में लेके चलो? क्या इस देश के गृह मंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि जो भी मुसलमानों पर दंगा करता है उनको मारने और काटने की बात करता है उनको उल्टा लटका दिया जाए? क्या इस देश के रक्षा मंत्री का यह फर्ज नहीं बनता है कि इस देश के मुसलमानों की रक्षा की जाए? अरे मन की बात की तो बात मत करो, ए भैया जितने लोग देख रहे हो ना, अपने मेहरारू को सब लोग साथ में रखो, नहीं तो मन की बात भी रखने के लिए ना आपको रेडियो पे आना पड़ेगा। उर्दू में आ रही है, साथ लेके चलने का ही तो बात है ये। हमने क्या कहा कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं ना, अपने मेहरारू को साथ में लेके चलो, नहीं तो मन की बात भी रखने के लिए आप लोगों को रेडियो का सहारा लेना पड़ेगा। एक साथ नहीं चल रहे, कह तो रहे कि टोपी वाला भी जैसे राम मिल। हमने क्या कहा, जब ऐसा ही करना था तो राम मंदिर की क्या जरूरत तुम लोगों को पड़ गई थी? शांत रहिए। इन्होंने राम, सुनिए हम चाहते हैं, हम पूरा भाईचारा चाहते हैं, हम भाईचारा। क्या दिक्कत है? और भगवान अल्लाह अकबर बोल देता है तो आप लोगों के पेट में काहे दिक्कत हो जाती है? नहीं मरने लगते हैं भैया, बढ़ाइए जी, भाईचारा बढ़ना चाहिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार जो है और उनके नफरती चिंटू जो है, आरएसएस वाले हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश में अमन फैले। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम का मतलब होता है प्यार। और लेकिन उनके द्वारा जो उनके तथाकथित बयान दिए जाते हैं उनके एजेंटों के द्वारा, आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे ही बताया कि इस्लाम का मतलब अमन होता है, वो कनवा
ऐसे करने वाला वो आ जाता है, कहता है कि इस्लाम नमाज पढ़ो पांच वक्त की, कुछ भी करो। अरे भैया कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है ऐसी बात? यहाँ पे कई, सुनिए शांत रहिए, अरे उस लाला हरामदेव की बात मत करिए, यहाँ पे कई मुसलमान पत्रकार भाई भी खड़े हुए हैं, आप लोगों ने कुरान भी पढ़ी होगी, हदीस भी पढ़ी होगी, उसमें कहाँ किस पेज में लिखा हुआ है कि कुरान पढ़ने के बाद और हदीस पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो ये आज़ादी अल्लाह दे देता है? कहीं नहीं लिखा है। अरे एक चीज़ बताइए कि राम भी कहता है और अल्लाह भी कहता है, वाहेगुरु भी कहता है कि कितना भी पाप कर लो, कितना भी गलत काम कर लो, अगर भगवान से माफ़ी मांगोगे तो माफ़ कर देगा, वो चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे बाइबल कोई भी हो। अगर हम गलती के, सुनिए, काफिरों के मारने की बात, काफिर को कौन मारने की बात करता है, काफिर को कौन मारने की बात करता है? अरे कोई मुसलमान, भैया मैं मुसलमानों के बीच में ज्यादा रहता हूँ, मुझे तो आज तक किसी मुसलमान ने बे कह के भी बात नहीं की, और आप लोग मारने और नहीं, मेरा कोई खतरा नहीं हुआ, मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं इस्लाम को और सनातन को दोनों को साथ लेके चलता हूँ, तो खतना कराने की कोई जरूरत ही नहीं, जो भाईचारों के लेकर चलता है। मैं सनातनी हिंदू हूँ, अगर आप सनातनी मुसलमान है तो आपका स्वागत है। हिंदू जाग उठा है, हिंदू सोया हुआ था, हिंदू जब सोया हुआ था तब भैया हिंदू सुरक्षित था, हिंदू जब से जाग गया तब से हिंदू खतरे में हो गया है। तो आपको जितने भी हिंदू भाई भी देख रहे होंगे उनसे हम कहना चाहते हैं, इससे बढ़िया तो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसमें भैया वो खतरे में थे। हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं मुसलमान कोई कांग्रेस की भी सरकार में खतरे में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार है और फिर भी हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए ताकि हर एक हिंदू सुरक्षित हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मौलाना बनेगा, कोई भी बन सकता है, आप भी तो मौलाना साहब हो, पत्रकार महोदय आप भी बन सकते हैं। कर्नाटक में पहले नहीं मिलता था, और क्या चाहिए? देखिए आरक्षण की आपने बात की, आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण कितना सताया जाता है मुसलमानों को वो किसी को नहीं दिखता है, आप जैसे पत्रकारों को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण दिखता है, दलित भाइयों को कितना सताया जाता है वो नहीं दिखता, आप जैसे पत्रकारों को उनका आरक्षण दिखता है। आप सताने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। तथाकथित मुसलमान को सताने का काम कौन करता है? आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले करते हैं। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी अब बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो, और जितने भी मुसलमान भाई हमें सुन रहे होंगे उनसे कहना चाहता हूँ 24 में मोदी जी जो भाषा समझ सके वो भाषा में बात करें। मुझे हिंदू राष्ट्र के, शांत रहिए, सब बोल लो ऐसा करो, मैं आप बोल लो, हम कह रहे हैं धन्यवाद कीजिए मोदी जी का, आप सांस ले रहे हैं, आप बोल चुके ना, आपको भी बोलना है, बोलना है और किसी को, आप लोग यही करते हो, मुझे हिंदुओं